Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to another video. Guys, मैं वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का जो वीडियो है ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, ये कोई व्लॉग नहीं है। पिछले दो साल से हम लोग ऑलरेडी कोरोना से बहुत परेशान हैं और इसके साथ में अभी जुड़ गया है ब्लैक फंगस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी दूंगा और हो सके तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोरोना के बाद ये ब्लैक फंगस हमारे लिए एक नया सिरदर्द बन चुका है। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आप भी ब्लैक फंगस को घर के मतलब अपने आसपास भी देख सकते हैं, जैसे कि आपके जूतों में या फिर किसी पुरानी लकड़ी में, तो जहाँ पे हल्का पानी लग गया हो तो वहाँ पे सब ब्लैक डॉट जैसा आ जाता है। आपके फ्रिज में, बहुत दिनों से फ्रिज नहीं चल रहा है तो उसके फ्रिज के रबर में वो डॉट डॉट ब्लैक कलर का हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक फंगस। और ये ब्लैक फंगस जो है अभी इंडिया में दूसरा महामारी बोल सकते हैं जो कोविड के बाद लोगों को हो रहा है। कोविड होने के 10 से 15 दिनों बाद लोगों को ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं और इसके वजह से काफ़ी जाने भी जा रही हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। कि आपकी आंखें लाल हो रही हैं, आंखों के नीचे सूजन होना, दांतों में दर्द होना, हो सकता है कि आपका कोई चेहरे का जो पार्ट है वो सूजन हो गई हो और सुन पड़ गया हो। सुन पड़ने का मतलब है कि वो टच कर रहे हैं बस आप फील नहीं कर पा रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको खांसी है, बलगम में खून आ रहा है या उल्टी हो रही है तो उसमें खून आ रहा है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये ब्लैक फंगस को दर्शाते हैं। ये जो सिम्टम मैंने आप लोगों को बताए हैं, इसमें से अगर कोई भी सिम्टम्स आपको हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। सबसे पहले तो ये ब्लैक फंगस उन लोगों को होने के सबसे ज्यादा चांसेस है जिनको कोविड हो चुका है ऑलरेडी। कोविड होने के 10 से 15 दिन बाद ब्लैक फंगस हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है बट हो सकता है। और उनको जिनको कोविड के दौरान स्टेरॉयड दिया गया हो। गाइस, स्टेरॉयड जो है ये एक आर्टिफिशियल हार्मोन है और ये जल्द से जल्द रिकवरी होने के लिए दिया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको स्टेरॉयड दिया गया तो आपको ब्लैक फंगस हो ही जाएगा। डॉक्टर को पता है अच्छे से कि कितना स्टेरॉयड देना है और कब देना है। और ये उन लोगों को भी हो सकता है जिनको ऑक्सीजन दिया गया हो, कोविड जब उनको कोविड हुआ है तब उनको ऑक्सीजन दिया गया हो। तो गाइज, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ब्लैक फंगस से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो है जिनको कोविड हुआ है उनके लिए मैं बताऊंगा, जिनको भी कोविड हुआ है और उनको ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है तो आपको ये ख्याल रखना है कि उनका जो ऑक्सीजन का जो पानी है वो बार बार चेंज करना होता है, तो यू हैव टू चेंज दैट वाटर। और हो सके तो उसमें थोड़ा फिटकरी डाल दें, उससे क्या होगा जो फंगस जो है वो बनेगा नहीं, वो मर जाएगा। सेकेंडली, आपको अपना दांत ब्रश करना है सॉल्ट और फिटकरी से। आप टर्मरिक और सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। नीम का जो दातुन होता है वो तो बेस्ट है। और ये ख्याल रखें कि नीम का दातुन यूज़ करते टाइम पे आप अच्छे से उसको चबा लें और जब वो सॉफ्ट हो जाए तब उससे दांत घिसें। तो इन सब चीज़ों से आप ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले तो हाई प्रोटीन डाइट लेना ज़रूरी है, जितना कि डॉक्टर कहता है उस हिसाब से। उसके बाद फ्लैक्स सीड का जो टैबलेट है वो आप ले सकते हैं, जो कि सप्लीमेंट है। और उसके बाद अपने आप को प्रॉपरली क्लीन रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गाइज, आजकल तो हम लोग खाना वगैरह सब कुछ फ्रिज में ही रखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना फ्रिज प्रॉपरली क्लीन रखना है। और गाइज, लास्टली, आजकल जो सिचुएशन चल रहा है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए कोई भी दवाई ना लें, अपने फ्रेंड या रिलेटिव से पूछ के भी तो कोई भी दवाई ना लें। और दूसरी बात यह है कि आपको जो स्टेरॉयड वाली दवाई डॉक्टर देते हैं जितने दिनों के लिए देते हैं उतने दिनों के लिए ही लें। अपने दोस्तों के कहने के मुताबिक कोविड होने के साथ साथ इमीडिएटली स्टेरॉयड शुरू ना करें। सो गाइज, ये था मेरा छोटा सा वीडियो ब्लैक फंगस के ऊपर। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लाइक करने की ज़रूरत है या कमेंट करने की ज़रूरत है, बट शेयर करने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे आपका लाइक चाहिए या सब्सक्रिप्शन चाहिए। गाइज, मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोग इस इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ हो सकें।